मैं 10/7 को 10 बजे शौचालय के लिए घर से बाहर निकली, तभी अचानक दो लोग बाइक से आए और मेरे मुंह पे लगाकर रुमाल मुझे उठाकर लेकर गए। मुझे होश नहीं था। जब मैं उस रूम में गई तो दो ये लोग थे जो लेकर गए और एक वहाँ पे था जिसको मैं जानती हूँ, उसका नाम मुलायम है। और मेरे साथ तीनों बदतमीजी किए, जो मन किया तो किए। फिर मुझे क्या किए, मुझे रुमाल लगा कर रात को छोड़ दिए। फिर सुबह वो लोग चले गए, फिर 8 बजे रात को वो लोग आए तीनों, फिर हमारे साथ वही काम किए। मैं उनसे बोली कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी से नहीं बोलूँगी। तो वो लोग बोले अगर किसी से बोलोगी तुम्हारे भाई को मैं जान से मार डालूँगा। और मैं बदतमीजी नहीं कर रही थी तो वो लोग मुझे बहुत मारे। और फिर मुझे 9 तारीख को 3 बजे भोर में लाकर मेरे घर के सामने मुझे फेंक दिए और फिर वो लोग चले गए। 2 दिन तक रखे थे? हाँ। बंधक बना के? हाँ। अच्छा, तो क्या कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, दुश्मनी वगैरह नहीं थी। तो ये जो आप नाम बता रहे हैं, वो कहाँ का रहने वाला था? पड़ोस का? फतेहपुर का। गांव के पास ही रहने वाला? गांव के, 2-3 गांव के पास। तो ये दो अज्ञात रूप में, उनको नहीं जानते? नहीं, उनको नहीं जानते। तो ये दोनों अज्ञात रूप में ले गए? जो पहचान वाला है उसके घर पे ले गए थे? ये मुझे नहीं पता, मैं मेरे होश नहीं था तो मैं कैसे जानती। अच्छा, दूसरे दिन जाके घर पे जो है बेहोशी हालत में छोड़े थे? हाँ। थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ हमारे यहाँ 376D का। एक नाबालिग बालिका है जो 9th क्लास में पढ़ती है, उसका आरोप है कि मैं पीड़िया बहाने रात में गई थी और कुछ लोग हमको उठा ले गए थे वहाँ पे। आरंभिक जांच में प्रकाश में आया है कि एक लड़का बगल का मुलायम यादव, जिसको लोग नामजद भी किए हुए हैं, उससे लड़की की जान पहचान पहले से ही थी और उसके साथ लड़की कहीं पर चली गई थी। 2 दिन बाद उसको ला के घर पर लोग छोड़े हैं। अब पूरी संख्या उनकी कितनी थी, पूरा मामला एग्जैक्ट क्या है, ये लड़की का मेडिकल हम लोग करवा रहे हैं मुकदमा लिख करके, और जो उसका कलमबंद बयान न्यायालय में होगा तथ्य आधार पे हम लोग जांच करके इसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, चूंकि लड़का नामजद है, वो मुलायम यादव जिसके साथ लड़की का जाना बताया जा रहा है, जो जो अपहरण करता है, अभी वो फरार है, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।